पहले ये समझो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी में उसका जो ग्रह के बारे में विजन है और एस्ट्रोनॉमी में खगोल विज्ञान पे, खगोल शास्त्र पे जो प्लैनेट्स के बारे में जो कुछ भी रिसर्च है या जो कुछ कहा गया है वो केवल विजुअलाइजेशन पे ही कहा गया है या उनके मिशन जो पकड़ता है उतना तक ही वो कहते हैं। दूरबीन पे, टेलीस्कोप पे, हाई पावर टेलीस्कोप पे जो चीज़ वैज्ञानिकों के आँख में दिखाई दिया और जो समझ में आया उतने ही बात को प्रेजेंट करना, लिखना, उन डाटाओं को कलेक्ट करना और डाटा के अनुसार जो भी एजुकेशन सिस्टम पे डाला गया या कुछ बातों को अति गुप्त गुप्त रखा गया और जो भी हमारे पास नॉलेज आया थ्रू द प्लैनेटोरियम, बड़े बड़े प्लैनेटोरियम्स हैं जैसे हमारे कलकत्ता में विक्टोरिया के पास एक प्लैनेटोरियम है, बिरला प्लैनेटोरियम, भुवनेश्वर में भी है, ऐसे हर बड़े बड़े शहरों में प्लैनेटोरियम्स है। वहाँ के खगोलीय स्थिति के अनुसार अक्षांश, द्राघिमा, लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड के अनुसार ग्रहों के पोजीशन, डिग्री के अनुसार वे अपने जो भी संवाद देना चाहिए देते हैं। उनके दृष्टिकोण पे सूर्य एक नक्षत्र है। एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण पे सूर्य से लेके राहु केतु तक, मंगल, शनि, बुध, शुक्र इत्यादि जो नौ हैं इनको नौ ग्रह के हिसाब में देखा गया। सूर्य को भी उसमें ग्रह का मान्यता दिया गया। तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो का कोई जगह नहीं? नहीं, जो अभी एस्ट्रोलॉजी को भी दो भाग में विभक्त कर दिया गया है। अच्छा। एक जो क्लासिकल टेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी है जो हम लोग फॉलो करते हैं, पाराशर जी, भृगु और जैमिनी और जो ये दैट इज बराहमिहिर और उनका भी शिष्य जो लोग हुए, और उसको छोड़ के कुछ लोकल एस्ट्रोलॉजर्स भी हुए हमारे देश में जिनको, जो लोग की बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज तो नहीं रखता था लेकिन उनको वो सब चीज़ भान हो जाता था। अच्छा। और वो कोई पद्याकार में लिख दिया, कोई गद्याकार में लिख दिया, जिनको आगे तक दूरदृष्टि उनके अंदर था। कोई ना कोई तो संजय होगा ना दूरदृष्टि संपन्न। तो हमारे ओडिशा में भी ऐसे एक तो बहुत बड़ा पुस्तक है, दैट इज मालिका। मालिका, मालिका में अच्युत मालिका, ऐसे तीन चार और भी मालिका हुई। अच्छा। उस मालिका में आगे क्या क्या होने वाला है पद्याकृति पे उन सारे विषयों को बता दिया गया है। ऐसे ही जो नास्ट्रोड्रम से लेके बाकी विदेश में भी हुए, एक तो एक अंधा उनका आंख नहीं है, वो भी आगामी भविष्य के बारे में बहुत सारे भविष्यवाणी किए। तो इस प्रकार के एस्ट्रोलॉजी का भिन्न भिन्न रूप आगे चल के बहुत सारे स्रोत पे बटा। अच्छा। उसमें न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और बहुत सारा है, मैं किसका नाम लूँ, और अपना अपना अलग अलग बेसलाइन भी है। अगर पीके केपी ज्योतिष पे चले जाओ या जैमिनी पे चले जाओ, उनका एक अलग सूत्र है समझने के लिए। केपी मतलब क्या है? कीरो पड़ा सर बोल रहा है।
वो क्या बोल रहा है डेफिनेशन आगे आगे क्लास में मैं बता दूंगा, लेकिन अभी जो तुम्हारा प्रश्न है उस पर ही फोकस किया जाए तो देखो स्टार तो सबको ही हैं, तारे तो सब ही हैं। अब उनको समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार को एक लोगों को समझाने के लिए एक तो रूपांतरीकरण अवस्था चाहिए ना। अभी किसी को सूर्य कह दिया जाए तो सूर्य ही समझता है, एस्ट्रोनॉमी वाले उसे तारा समझते हैं या नक्षत्र समझते हैं। तुम किताब में किसी 8, 9, 10 क्लास में पढ़े हो और किसी को ग्रह मंडल कह दिया, किसी को गैलेक्सीज बोल दिया, किसी को मिल्क लाइन बोल दिया, किसी को ब्लैक होल बोल दिया, सारे अपने अपने थेसिस के अनुसार सही है, किसी को विरोध नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मूल तत्व क्या है पहले उसे समझना जरूरी है और उस हिसाब में लोगों को समझाना है तो उसको कैसे समझाना है। मेरे जन्म के समय पे जो 9 ग्रह मैं कल बता रहा था, जहां जहां थे उस पल उस क्षण जो होरा में जो राशि चक्र पे या जिस राशि पे चंद्रमा गोचर कर रहा था, सूर्य जहां गोचर कर रहे थे और जो ग्रह का हो रहा था, उस कंडीशन के तहत उसको फिक्स कर दिया गया कि ये तुम्हारा बर्थ चार्ट बना, जन्म कुंडली बन गया। फिर उसको D1, D2, D10, D20, D200 जितना भी वो अपना भाग करते करते आगे चले जी, उसमें से कुछ मुख्य रखे, कुछ उपमुख्य रखे जी। और जो जन्म समय जो नक्षत्र मुझे मिला, उस नक्षत्र जो उसका लॉर्ड है, धनिष्ठा का पकड़ लो मैं धनिष्ठा में जन्म हुआ, उसका लॉर्ड मंगल, तो उसका दशा अंतरदशा को भोग करूंगा। जितना दिन भोग बाकी है जिस समय से, उसका हिसाब निकाल के इतना देर तक उसको यहां से आगे दशा भोगना चालू करेगा। अब एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए केवल ग्रहों को, अरे सूर्य का दशा चल रहा है या चंद्र का दशा चल रहा है या मंगल का दशा चल रहा है, मंगल है क्या, सूरज है क्या, वो तो नहीं समझाया गया जी। तो कैसे समझेंगे, तो उसके लिए कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरी को सेटअप किया गया उसको समझाने के लिए। ऐसा हुआ या नहीं, ना तुम देखे हो ना हम देखे, लेकिन इससे उसका गुण धर्म स्वभाव कारकत्व और उसका जो बेस है हमें समझ में आता है कि इस दृष्टिकोण से हम इसे देखें। अभी सोचो कि ऐसे कहा जाता है कि चार वेद और जो भी उपवेद हैं या वेदांत हैं उन्हें उस स्तर पे समझने के लिए, यानी वेद को समझने के लिए वेद का स्तर पे जाना पड़ेगा ना, या वेद को खींच के तुम्हारे स्तर पे समझो। तो अभी गीता के ऊपर 36 टेक्स्ट मैं पढ़ चुका हूं, भिन्न भिन्न लोग गीता के ऊपर लिखे हैं और उनके व्याख्यानों को अध्ययन किया। अब दो रास्ता है, गीता तो गीता है, शुद्ध गीता है, और वो भगवान कृष्ण के माध्यम से कहा गया, ठीक है। सो कृष्ण बंदे जगत गुरुम कहा गया जी। तो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, ये जो गीता को एक सारे ग्रंथों को गाए और वहां से जो निचोड़ दूध निकाल गया हो, गीता निकाल गया, यानी जितने वेद वेदांत पुराण शास्त्र संहिता इन सब का मिश्रित निचोड़ गीता, और उसको दुखी अर्जुन को पिलाया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि मैं अर्जुन को कह रहा कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, अर्जुन को समझ में कि मैं क्या पा रहा हूं, इस विश्व ब्रह्मांड के सारे ग्रंथों का निचोड़। अब देखो महाभारत, रामायण, अष्टादश पुराण और इन सब में से जो महान पुस्तक हुए, एक तो भागवत, श्रीमद् भागवत, और ये देवी साइड में देवी भागवत,
और जो भी उसमें स्टोरी रचाया गया, जो ड्रामेटिक फॉर्म दिया गया, जो उसको एक एक्ट को दिया गया, उसको समझाने के लिए ये स्टोरी बनाए गए। वेद को क्या है, हम उतना संस्कृत का ज्ञान, उतना डीप अर्थबोध, देखो एक तो एक ऋचा पढ़ो और उसको समझो, और होल वेदास को पढ़ने के बाद तुम्हारे पास उसी ऋचा का मीनिंग अलग आ जाता है जी। और पूरा एक ऋचा को पढ़ने से एक बोध आया, पूरे वेदों को पढ़ने के बाद ये उसी ऋचा में अलग बोध आया। अर्थ नहीं कह रहा हूं, ट्रांसलेशन नहीं कह रहा हूं, बोध, भाव, बोध, अनुभव, ये अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। और जब तक पढ़ो नहीं, और फिर कैसे पढ़ो, एक तो खुद पढ़ लेना, दूसरा गुरुपाद पंकजम, गुरु शरण होके पढ़ना, उसे अध्ययन करना, दूसरा स्वाध्याय करना, तीसरा पठन पाठन नितिध्यासन मनन, ये पूरे सिस्टम पे जाना, गुरुकुलीय परंपरा पद्धति में पढ़ना। और फिर वेद में भी वहाँ अभी कुछ ऐसे तथा लगा दिया गया है कि वो वेद को अध्ययन करने करवाने वाले कुछ भारतीय सनातनी, कुछ वैदिक मेथोडोलॉजी, कुछ आर्य समाजी मेथोडोलॉजी, और कुछ फॉरेन टेक्स्ट वाले उसके ऊपर रिसर्च करके कुछ टेक्स्ट वेद के ऊपर, और कोई बोला मैक्समुलर आके सारा वेदों को नुकसान कर दिया। मैं बोला उन कर सकता है, लेकिन मेरे घर पे जो ताल का पोथी में लिखा गया, मेरा परदादा 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 मैक्समुलर तो वहां नहीं आया था, मैक्समुलर तुम्हारे जो छपे हो किताब उसमें आया होगा जी। वो कहीं वहां पभ्रंश क्या होगा जी। मेरे घर का ताल पोथी पुथा मैक्समुलर को छुआ नहीं, कभी आया नहीं, इतना जंगल पे हम लोग का दादा परदादा रहते थे, मैक्समुलर का 14 पुरुष भी वहां नहीं आ सकता। तो वो जिस धरातल पे हम लोग अध्ययन किए, तो हमारा जो बोधगम्यता है वो नेचुरली बाकियों से अलग रहेगा। और समय स्थान काल पात्र के अनुसार जरूर अपभ्रंश हुआ, इसमें मैं दोराय नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर आज के डेट में जो भी ऋचाएं हैं वेद के, वेदांत के, उपनिषद के, ब्रह्मसूत्र के, संहिता के, उन सबको अब इस मैकले एजुकेशन ब्रेन, जहां तुम कॉलेज नॉलेज क्या क्या लेके आए हो, उस टेक्स्ट से जब तुम उसे देख के अध्ययन करना चालू करोगे, तो आज तुम्हारे पास वो ब्रेन पे सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं है कि वो कैच करता है। सही। और उतना करने के लिए गुरुकुल चाहिए जहां तुम्हारे सारे सॉफ्टवेयर को मैं डिलीट मारूंगा, इरेज करूंगा, फिर जाके मैं उस तरफ लेके जाऊंगा। अब वो डिलीट मारने का तरीका भी वेद में और वेदांत में बताया गया, वेदांत में तो नहीं, वेद में बताया गया, वो हमारा काम है, इसलिए गुरुकुल खोल के बैठे हैं, और इसलिए यहां ज्यादा भीड़ कराने का चक्कर में भी नहीं है, सोच समझ के ही लेना पड़ता है। भेड़ बकरियों से गुरुकुल नहीं चलता, क्वांटिटी पे नहीं चलता, क्वालिटी पे चलता है, और यहां गुरु का आज्ञा अनुसार चलता है। यहां डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होगा कि नहीं, पढ़ा है जाओ, मेरे पास क्यों आए हो, अगर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, कहीं नौकरी करना है जाओ, डिग्री दिखाना है किसी को, देखो ये वेद का डिग्री है, वेदांत का डिग्री है, योग का डिग्री है, ऐसा महामूर्खता करना है, तो बहुत सारे सेंटर पड़े हैं, जाओ हमारे पास मत आओ, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, और हमारे पास आए हो तो हमारे सिस्टम पे चलो। तो वो जब तक, ये जितने भी अभी तक साधनाओं का बात मैं कह रहा हूं ना, ये सारे वो प्रोसेस वो पद्धति पे लेके जाना, जहां जितना दिया जाए उतना पे चलो, उससे आगे पे चला ठीक है, तुम्हें इच्छा हुआ तुम कर लोगे बोलोगे तो आगे चल के तो खतरा बनेगा जी, जरूर, क्योंकि हमें तो जानकारी है भी नहीं। अभी तुमको मैं आज से 20 साल पहले का घटना बता रहा हूँ, एक सिंह जी करके थे,
मेरा योगा सेंटर बहुत उस समय रामू बाबा से पहले पहले, रामू तो अभी भी मार्केट में, उससे पहले मेरा योग केंद्र चलता था। पूछना इन लोगों को यहाँ से, मेरा करीब 25 साल पुराना योग केंद्र है यहीं। तो उनको सर्वांगासन बड़ा मजा आ गया और करने लगे, कर लेंगे तो करने लगे, मेरे को बताया नहीं। चलो तुम तो बता दिया कि हमको सर मजा लगा, तो हम दूसरा छोड़ दिया, इसी के पीछे लग गए। मेरा तो वो मकसद नहीं है, मेरा तो मकसद उधर है पहले, फास्ट कल्चर एग्रीकल्चर, ज्योतिष विज्ञान के लिए तो फिर उसके लिए भी पात्रता चाहिए। किया किया किया, सर्वांगासन सर्वांगासन, और दोनों आँख के वेन लाइन से ब्लड निकल गया, क्योंकि उनको योग करते करते हो सकता है सर्वांगासन में उनको मजा आया, समाधि जैसे लग गया, और दोनों टांग ऊपर उठा के सर को नीचे करके आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, मैं बाद में मेरे को खबर मिला ऐसा ऐसा हुआ। थोड़ा क्रोध तो आएगा, स्वाभाविक बात है कि भाई ये आज्ञा को नहीं मानते हुए ये अपना मनमर्जी से अगर ये इस प्रकार का किया जी, तो आगे और भी कुछ कर सकता है जी, जी। तो उपयुक्त पात्र तो नहीं है इस योग क्षेत्र के लिए, योग साधना के लिए। घटप फिर वो चला 100-200 डॉक्टर के पास, मेरा आँख ठीक करो, कोई ठीक नहीं कर पाया। और हम थोड़ा सा उस समय थोड़ा तो मांगलिक हैं, तो ओवर पावर तो कर ही दिए, तो बहुत परेशान होकर 3-4 महीना के बाद फिर आया, नहीं ज़्यादा समय के बाद आया, लेकिन तब तक और ज़्यादा आँख में प्रॉब्लम हो चुका था। लग वो सब डॉक्टर तो वही बोले, जो जिस योगा में हुआ है उसी में होगा, हमसे तो नहीं होगा, कोई मेडिसिन नहीं है इसका, हम लोग वास कर सकते हैं, ये मेडिसिन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, मेडिसिन दे, आँख में साइड में भी इंजेक्शन लिया 3-3, 4-4, कोई काम नहीं आया। लास्ट में मेरे पास आया, फिर जो करना चाहिए उसको करके फिर ठीक ठाक किए, ठीक तो हो गया, लेकिन 17 दिन उसको दर्द भोगना पड़ा। हो सकता था और भी कुछ हो सकता था, ब्रेन पे ब्लड चला जाए तो मर सकता था। तो ऐसा सारे विद्याएं हैं, क्योंकि ये इतना प्रचंड विद्या है कि आज्ञा अनुसार चलना। हम भी आज के डेट में भी ज्योतिष को मजाक नहीं करते, गुरु अगर मना कर दिए कि बेटा ये इनका ये काम नहीं करना है, तो रुचि होने से भी, इच्छा होने से भी करते नहीं करते। बहुत सारा कार्यक्रम ऐसा है, बोलते कि ये कार्यक्रम विपद है, बहुत ज़्यादा प्रश्न कुंडली के पीछे नहीं जाना, लेकिन बड़ा मजा आता है प्रश्न कुंडली में, क्योंकि खट खट आंसर निकलता है। एक डाउट वाला हजबेंड वाइफ आ गए, बताओ ये बच्चा मेरा है या नहीं, तो हम इधर उत्तर में फंसता हूँ, उधर उत्तर फंसता हूँ, लेकिन केस तो आया है, आंसर तो देना है। डाला प्रश्न कुंडली, देखा उत्तर, और सब झूठ बोल सकते हैं, ग्रह नक्षत्र प्रश्न कुंडली तो झूठ नहीं बोलेगा, और मैं किसी चीज पे मास्टर हूं नहीं हूं, प्रश्न कुंडली पे मैं सुपर मास्टर। मेरा यही सब्जेक्ट सबसे पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब से गुरु आज्ञा हुआ और 2-4 बड़े जो गुरु टाइप एस्ट्रोलॉजर्स थे वो बोले कि नहीं, डोंट प्ले विद दैट प्रश्न कुंडली एक्चुअली, तो मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक मारा, लेकिन मेरा साहस नहीं हुआ उत्तर देने के लिए, क्योंकि ये पूरा फैमिली टूट जाएगा, तो मैं वहां ब्रेक मार दिया। और देखो क्या किस्मत है, और उसी समय फिर गुरुदेव का फोन आ रहा है उधर से, यही फोन आया, सावधान, मतलब क्या हुआ, मेरे गुरुदेव का वैसे देखो कल सुबह सुबह फोन किया, देखो एक तांत्रिक आने वाला है बिकॉसस, एंड बाय गॉड यू आस्क माय कॉल माय होम, फोन करो, मेरा पूजा समापन हुआ, गाड़ी बेक करके घर से बाहर निकला हूं, काला काला वस्त्र पहन के, इतना बड़ा खोपड़ा लगा के, काली माँ का इधर फोटो लगा के, 25 माला पहना होगा, फुल ब्लैक ड्रेस, ये बड़ा काला का एकदम विभूत सांगा भूत लगा के आके खड़ा हो गया, बोला धन्य मेरे गुरुदेव। ठीक है, मतलब कल सुबह 8:30 फोन किए और 11:25, कल मैं लेट में आया था शायद क्लास पे, तो आके खड़ा है, तो उनका वो कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये जो आके खड़ा है ये किस लिए, मतलब आपसे नहीं, वो जिसमें खड़ा था मैं उसको अपना काम कर दिया। ठीक है, वो जिसके लिए आया था उसका काम मैं वही तमाम करके उसको जो करना था वो कहे, वो दिस इज नॉट नेसेसियल कि वो सब डिस्कशन किया जाए, वो बहुत हायर लेवल फैक्ट है। ठीक है, तो उसमें जाओगे तो पागल हो जाओगे।
यहाँ मेरा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसमें से हम डाइवर्ट नहीं हो। तो ये जो भी ये ग्रह नक्षत्र जब उत्तर दे रहे हैं, अभी का होरा, सूर्य, लग्न, राशि, प्लैनेटरी पोजीशंस उत्तर दे रहे हैं, तो फिर बाकी किसी का उत्तर का आवश्यकता तो नहीं है। तो उन दोनों का डाउट वर्ड था, मैं उनको बड़ा अच्छा से काउंसलिंग किया शांति से और सेटल करा, लेकिन उत्तर तो मैं जानता हूं ना कि वो बच्चा किसका है या नहीं, वो तो जानता हूं। नहीं बोला, अब इसका पाप तो लगेगा, बोलता और घर टूटता उसका भी पाप लगता, तो 100% का लगता, ये 20% का, दोनों भोगो। अभी सोना चोरी हुआ था बड़ना मुंडा में, ह्यूज अमाउंट चोरी हुआ था, वो चारों तरफ ढूंढे, कोई बोल दिया कि वो आचार्य संजय जी के पास जाओ, आया देखा, अब पता नहीं मेरा फिर जोश आया और फिर प्रश्न कुंडली ठोक दिया और देख रहा हूं कि वो जो जो उत्तर निकल रहा है उसमें भी वही हालत होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो चुराया है घर वाले, हाँ, और उसमें वो बहु बहु के भी अंदर धंधा हो गया है। और अगर मैं यहां उत्तर दिया और वो अगर पुलिस स्टेशन मूवमेंट किए तो उंगली मेरे तरफ आएगा। अच्छा, जो सोना गुम किया या हजाया है या चोरी हुआ है या कहीं मिस हो गया है, बोलते हैं कि कलयुग में सोना अगर गुम हुआ, हज गया तो पाप, मिला तो पाप। अच्छा, अगर मिला और उसका कारण मैं बना तो पाप का भागीदार, तो आप जरूर, तो उस समय देखा कि इसमें 100% का मेरे को पाप भोगना है, कष्ट भोगना है, पुलिस स्टेशन और नाटक बाजी होने वाला है, इससे अच्छा अपना अहंकार को पोषण क्यों करना है। और अच्छा, पैसा तो बढ़िया देने के लिए आए थे, हैवी डिमांड, बोले आप रेट बताओ लेकिन हमें राइट आंसर चाहिए विद प्रूफ, मतलब कर दूंगा, लेकिन करते हुए पता नहीं मेरा गुरु का उस समय भी कॉल आ गया कि बंद ब्रेक मारो, तो वो किस क्या कैपेसिटी का मेरा मास्टर गुरु होगा। तो जब भी हम गलती करते हैं तो वहां से ब्रेक आ ही जाता है, तो मना करते हैं, डोंट टच दिस पर्सन कुंडली अगेन एंड अगेन, वेरी वेरी सीरियस कंडीशन है, उस कंडीशन पे उसको ऑपरेट करो। ये तो लौकिक पाप और धर्म का बात हो गया, लेकिन वो बिना मतलब का जब उन्हें हम छोड़ोगे, मतलब प्रश्न कुंडली बनाएंगे, वो उस समय का प्लानिटरी पोजिशन का दशा, अंतरदशा, महादशा का भी इफेक्ट हमें आएगा, ठीक है ना। अभी जिसे बोलते हैं ना, रात को मेरा गुरु मना कि रात को कुंडली खोलना ही नहीं, देखना ही नहीं, मैं बोले अनसाइंटिफिक, बट एस्ट्रोनॉमी वाले तो रात को ही दूरबीन लगा के बैठ के देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी वालों को बोले शाम हो गया भाई दुकान बंद, डोंट ओपन, मैं इसे नहीं मानता था, लेकिन जब थप्पड़ खाया, मार खाया और उसका दंड भोगा, तब भाई सूर्य अस्त हो गया तो हमारे गुरुजी चले गए उधर पश्चिम दिशा पे हैं, अभी नहीं होगा, गेट काम बंद, कितना भी सीरियस मैटर हो। हाँ, डायरेक्ट जो होरा याद है इस होरा के अनुसार उत्तर दे सकते हैं, कुंडली खोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें इस पल कौन सा हो रहा है चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, अभी राशि कहाँ है, कौन सा नक्षत्र पे चल रहा है, किस राशि पे है, अभी सूर्यदेव हाँ कुंभ में है, इतना डिग्री पे है बृहस्पति, अभी ये सब तो पूरा ब्रेन में हिसाब है ना, कि बृहस्पति अभी श्रवणा छोड़ चुके हैं, धनिष्ठा में घुस चुके हैं, इतना डिग्री पे है, उधर राहु 7.5 डिग्री क्रॉस किया है, मंगल घुस के 3 डिग्री पे है, देखो दिमाग में तो चल रहा है ना हमेशा। शनिदेव अभी श्रवणा पे चल रहे हैं, इतना अंश पे चल रहे हैं, अब इनका दोनों का ग्रेप डिस्टेंस इतना है, अभी अगर इस समय तुम्हें मुझे कोई प्रश्न पूछना है तो मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैं देख के उत्तर दे दूंगा कि केतु अभी वृश्चिक में है, वो भी 7.5 डिग्री कवर किया है, तो सारे ग्रहों का पोजिशन तो दे दिया ना, सूर्य बुध शुक्र अभी कुंभ में बैठे हुए नाटक चला रहे, शुक्र इधर अस्तगत है, तो मेरे पास तो मुंह बोले हो गया, अब निकालना है राशि, राशि और लग्न और सूर्य का स्थिति, तो मैक्सिमम तो हो गया। अब तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आया देख के तुरंत उत्तर दे दिया लेकिन दिमाग में तो प्रश्न कुंडली चल रहा है, अभी नेट में तो नहीं खुला, नेट में नहीं।
या मैं पेन पेपर में तो हिसाब नहीं निकाला, दशा किसी का दशा दशा तो नहीं निकाला जी। फिर उसी हिसाब से निकल दिया कि अभी अगर कोई बच्चा जन्म हुआ होगा तो किस दशा में जन्म हुआ और उसका क्या स्टेटस होगा और आगे चल के क्या भविष्य होगा जी। ये तो मुंह बोले में फटाफट हो गया जी। तो ये तो एक्सपेक्टेशन आ गया ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब ये एक्सपेक्टेशन तुम्हें लाने के लिए कितना साल का मेहनत करना पड़ेगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये जो एक्सपोर्टाइजेशन है इसका फिर दंड हमें भोगना पड़ेगा। अब नहीं भोग, अभी देखो किसी का अभी गंडमूल दोष निवारण का हो गया, मूल नक्षत्र या अश्लेषा या इस प्रकार का, यू नेवर बिलीव, कोई पंडित सहजता से तैयार नहीं है उसका दान दक्षिणा लेने के लिए। मेरा गुरु, मैंने मेरे को स्पेशली मना किया है कि तेरा तो घड़ा फूल हो चुका है बेटा, दान दक्षिणा नहीं लेना, दूसरा पंडित को लेकर दे दो। अभी एक करुद्राभिषेक कर रहा था, सोने का सांप एक था दान करने के लिए, कोई राजी नहीं। अच्छा, जिस पंडित को मैं, मेरा जो 8-10 पंडित का टीम है उनको लेके काम करा रहा था, उस लोभी पंडित को बुलाया नहीं था। उसको पता चला कि आचार्य जी सोने का सांप दान करा रहे हैं, इसको लगाए लोग, उसको खबर मिल गया, वो हमें मंदिर में कराने चाहिए, दूसरा जगह में कर रहा है, दौड़ा। हम किस बात का कमी है, हम क्यों नहीं लेंगे दान, हम लेंगे। मैं बोला बेटा तुम मात्र पंडित हो और हम आचार्य संजय, तुम्हें वो सांप दान करा के तुम्हारे, तुम्हारा तो जो होगा होगा, तुम्हारे जो बच्चे और बीबी ना रोड पे आ जाएंगे, उसका जो गुरुदशा चल रहा है और जिसका खंडन और शांति करा रहा हूँ, तुम्हारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, औकात शब्द तो नहीं लगाऊंगा, ईगो हट हो जाएगा, कैपेसिटी नहीं है कि तुम उसे धारण कर सको। जरूरत पड़ा तो नदी में बहा दूंगा लेकिन किसी पंडित को नहीं दूंगा। उसको लेने के लिए कलेजा में हड्डी चाहिए, वो तुम्हें दिख रहा है 1.5-2 लाख का, लेकिन उसके बाद जो भुगतना है। और मेरे पास ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है, किसी का टांग टूटा, किसी का सर फूटा, वो लेके घर तक नहीं पहुंच पाते, तुम आ गया दौड़ के, वो पंडित है वो हम मतलब चुप, तुम वो पंडित है मेरे से नहीं दिखाना, हमसे नहीं दिखाना। मेरे को एक लाइन बता, क्या तुम त्रिकाल संध्या करते हो, एक उत्तर दो जी। ठीक है जी। वो चुप हुआ, नहीं करते ना, नहीं करते तो नहीं संभाल सकते इसको, जाओ। तो ये नॉलेज हो तब तुम्हें कहेंगे कि ये पढ़ो नहीं तो ये मत पढ़ो जी। तुमको मर्जी हुआ और खुला हो रहा और पढ़ने लग गया शाम का टाइम, उस समय तुम्हें पता भी है कौन कौन प्लैनेट एक्टिव रहते हैं और तुम जिस महादशा पे चल रहे हो वो रात को तो खड़ा होकर तैयार है तुमको ठोकने के लिए। तुम क्या कर रहे हो, उससे डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी खींच रहे हो, तो डेंजर होगा या नहीं होगा। नहीं मानो तो कुछ डेंजर नहीं जी। लेकिन जो जो नहीं माना, मैं भी नहीं मानता था, मैं भी उछल कूद महाबंदर, और उस समय मैं भी कोई पूछे नहीं पूछे आंसर दे ही देता था जी। तो क्योंकि अपना उम्र होता है ना उस समय, अपना बहादुरी दिखाने के लिए, अहंकार साबित करने के लिए, बाद में तो जानते हैं कि अब ये आगे जाके मरेगा लेकिन चुप रहते। 3 महीना पहले से प्रेडिक्शन कर देता था मरेगा, ठीक है 3 महीने पर गया, तो इसका दंड भुगतना पड़ता है जी। तो शक्ति मिला है मतलब दुरुपयोग नहीं जी। जानते हुए भी उसका कर्मदंड उसे भोगने दो, आप चुप रहो। और जीवन पे ये भी गलती किए हैं कि दूसरे का कर्मदंड भोगने का प्रार्थना भी कर दिए, उसका दुख को देख के सहन नहीं कर पाया था। तो उस समय गुरु ब्रेक मारता है, बोले रुक, तुम कौन है बे, तू बाप क्या है, वो क्या उसे भुगतने दे, तुमको क्यों खुजली लग रहा है, तुमको सहन नहीं हो रहा है, तुम देखने क्यों गया था, तुम क्यों झांक रहा है खोल खोल के, जो गुप्त है उसे गुप्त रहने दो। जब वो तुम्हारे शरण पे आ जाए तब माफ करो ना, तब उस बोलो कि हाँ ठीक है, आई हैव दैट कैपेसिटी, कर सकते बिना मतलब क्यों, नहीं तो दंड तो भोगो, तुम क्या भोग, तुमको क्या जरूरत था उसका काल सर्प निवारण।
तुमको क्या जरूरत था उसका सूर्य नीच कार्तिकी की का निवारण, तुमको क्या जरूरत था उसका नक्षत्र शुद्धि करना, उतना बदान्य मत बनो। और बोले मेरा बाप नहीं किया, तुम कौन करने वाले? हाँ ठीक सही, ये करेक्ट, ये मेरा गलती है। हमारा जो बहादुरी होता था कि हम पंडित जरूरत पड़ा तो दूसरा स्वर्ग भी खड़ा कर देंगे और काली के मुंह में थाली और नारायण के छाती में लात भी ठोक सकते हैं, कर तो देंगे। अब जिंदगी भर वो जो जिसने लात मारा था उसका वंश वो लक्ष्मीहीन, विनाश नहीं, विनाश नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी, हाँ, भृगु पराशर ये जो बड़े बड़े संहिताएं हैं उसका रचना करने वाला नारायण को ठोक दिए थे लात, खाना पीना नहीं दिया था, बोल के भूखे था बोल के, ठीक है। तो लक्ष्मी बोला तुम मेरा हस्बैंड को मारेगा, तुमको तुम हमको फिर बोलेगा आओ, कहाँ से हो सकता है। तो बड़ा लिटिगेशन हुआ ब्राह्मणों के और नारायण के बीच में, वो उतना डिटेल भी जाने कभी से। ऐसे ही वो काली नहीं सुनी तो उसका मुंह में दे थाली मार, पंडित लोगों का थोड़ा रहता है नाटकबाजी, ठीक है ना। और ज्यादा नाटक किया तो बोला स्वर्ग में अलाउ नहीं करेगा त्रिशंकु को, तो दूसरा लगा देंगे स्वर्ग, तपो तपोबल से दूसरा स्वर्ग बना खड़ा कर दिया। तो ये अहंकार, उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए भाई सोच समझ के, और मैं जब वकीलाती पढ़ रहा था, लॉ पढ़ रहा था, तो हमारे बूढ़ा प्रोफेसर साहब थे, बोले देखो ये जो धंधा है ना, ये शनि का धंधा है, और मज़ा तो आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे पास कैपेसिटी है, पावर है, नॉलेज है, तुम ठग सकते हो। तो तुम हाड़ो गिली वो नहीं, मतलब हड्डी गिलेगा क्या, हड्डी निकल जाएगा। बनिया लोग तो बैठे हैं, उसका बाप मर गया तो उसका हड्डी तुम्हें लड्डू के साथ खिलाएंगे, 10 लाख 20 लाख देंगे, हड्डी गिला ब्राह्मण बनेगा। अच्छा, ओ के साथ हड्डी के साथ लड्डू, और फिर टेंडर होता है 5 लाख 5 लाख 1 5 लाख 2 चलता है। अच्छा, हड्डी गिला बहुत अमीर होते हैं, हड्डी गिला ब्राह्मण, हड्डी गिला ब्राह्मण लोग जो लोग हड्डी निकलते हैं बहुत करोड़पति होते हैं। वो सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या होता है क्या नहीं, ठीक है वो होता है, ठीक। मैं यहाँ क्या प्रूफ में ये भी अभी जो तुम्हारा प्रश्न हुआ उसी हिस्से में उत्तर देते जा रहा हूँ कि कोशिश, सावधान, ब्रेक मार के चलाओ, जानते तो हो, चुप रहो। अच्छा, आवश्यक कितना है, प्रश्न क्या है, और सामने वाला को उत्तर देंगे तो कितना रजिस्ट कर पाएगा, और मेरे उत्तर से कहीं किसी का हानि तो नहीं हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि झूठ बोलो जी, लेकिन सत्य बोलने का भी आवश्यकता कितना है जी। और युधिष्ठिर जैसे आदमी झूठ बोल दिया, हम किस खेत का मूली। तो ये सीट, ज्योतिषी सीट एक ऐसा सीट है जहां हमेशा अपने जीवन का धर्म कंटे को लेकर चलना पड़ता है, और हर पल हर क्षण एग्जामिनेशन आता है जी। हर पल हर क्षण, तुम कभी YouTube में और बड़े बड़े ज्योतिषियों को देख के नहीं समझ लेना कि ये बहुत लाखपति करोड़पति हैं, अंदर उतना पुपला रहता है। मेरे गुरु के अनुसार ये ज्योतिषी विद्या अभिशप्त विद्या है, सरस्वती ने इसे अभिशाप दिया है। मैं जब पढ़ रहा था मेरे को बोल दिया इससे बहुत कमाई का आशा नहीं रखना, जितना कमाओगे उतना जाएगा 10 गुना। सेवा के तौर पे ही इसे रखना एंड वेरी इमरजेंसी ऑपरेट करना। अब इन सबको कैसे समझोगे, जब पहले 9 ग्रह को कंसेप्चुअली समझोगे, लेकिन तुम एस्ट्रोनॉमी के दृष्टि से ग्रहों को समझोगे तो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उस समय सूर्य एक नक्षत्र समझोगे, नक्षत्र तो इसीलिए वेद को समझाने के लिए रामायण पे लाके खड़ा कर दिया गया कि राम बोल के एक है, दशरथ बोल के एक है, उसका 3 बीबी है, क्यों है, फिर राम जन्म नहीं हो रहा था, फिर उसको कैसे हवन किया गया, और किस ऋषि को हिरण्याक्ष या ऋषि संघ को बुलाया गया, हवन किया, बारह साल से बारिश नहीं हुआ था, बारिश हुआ और फिर राम जन्म हो गए, फिर बच्चा जैसे खेले, और फिर उनको गुरुकुल भेजना पड़ा, फिर पढ़ाई हुआ, फिर वशिष्ठ योग सूत्र बना, फिर राम उनको राजा बनना था, सुबह उनको वनवास जाना पड़ा, रावण बीबी को राम का बीबी को चुरा के ले गया, चुरा के लेके गया तो फिर राम पागल जैसे ढूंढने लगा, फिर सुग्रीव मित्रम बनाना पड़ा, बाली को मारना पड़ा, और फिर बिना फालतू का समंदर में डैम बांध के वो फिर जाके सीता को लेके आए और लंका को जला दी, और रावण को मार के उसका भाई को रावण राजा बना दिए, रावण ओवर।
ऐसा है क्या? एक एक चौपाई, एक एक सूत्र वाल्मीकि पे जाओ, वाल्मीकि 10 और महाभारत 1,00,000 सूत्र पे, एक एक लाइन पे जाओ, फिर उसके बाद वेद को पढ़ो, फिर देखोगे कि ये तो उसका एक ढांचा है जिसको कि एक कॉमिक के फॉर्म पे रामायण और महाभारत को प्रेजेंट किया गया। सेम इन भागवत एंड देवी भागवत। तो ये अष्टादश पुराण, रामायण महाभारत और भागवत और देवी भागवत और बाकी जो शिव महापुराण एंड ऑल दिस दिस कालिका महापुराण, ये पूरा अध्ययन करके जब कंप्लीट हो जाओगे और जब फिर किसी एक ऋचा पे पकड़ोगे तो फिर तुम्हें पूरा ग्लोब को समझ में आएगा। सेम इन ज्योतिष, हर ग्रह का एक स्टोरी है, हर नक्षत्र का एक स्टोरी है, हर राशि का एक स्टोरी है, जो कि वेद को समझाने के लिए एक कॉमिक बनाया गया, एक स्टोरी बनाया गया, एक एक लीला बनाया गया, एक रचना है, जिस रचना को लेके, जिस कहानी को लेके विस्तार पूर्वक तुम्हें किसी चीज का हेतु, भाव, समझ, एक अनुभव आएगा। अब तुम उससे कितना प्रवचन ठोक दो नहीं समझा सकते, कितना लेक्चर ठोक दो नहीं समझा सकते। रावण से, सॉरी, सूर्य हो गया, अब एस्ट्रोनॉमी वाले बोले नक्षत्र है, स्टार है, बालू है, गधा है, जो है जी। तुम बोला नेपच्यून प्लूटो है या नहीं जी। है तो तुम्हारा किस काम का जी। इतना डिस्टेंस में रहते हैं जिनका किरण यहां पहुंचने के लिए 200 साल लगता है, तो तुम तो 60-70-100 साल में खत्म होने वाले हो जी। तो उनका इफेक्ट तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारे जिंदगी पे पहुंचना और परिवर्तन करना, तब तक तुम नहीं रहोगे, संभव है ही नहीं। कुछ कुंडली पे तो नेपच्यून प्लूटो का भी पोजीशन बताया जाता है, बताने से भी, उसे स्टडी करने से और क्या होने वाला है। इट इज ट्रू, विश्व ब्रह्मांड के बड़ा सा बड़ा परिवर्तन उन जो हाई डिस्टेंस प्लैनेट पे हैं, उनका किरण यहां आके जब पड़ता है, जो मेदिनी ज्योतिष पे बताया गया, संहिता शास्त्र में बताया गया, यस है। अभी सोचो 1857 1857 से पूर्व 10-20 साल पूर्व भारतवर्ष में गोहत्या नहीं होता था, और उसके बाद गोहत्या चालू हुआ और इतना तरपे चालू हुआ कि 2021 आते आते आज हमारे पास गोवंश नहीं है, नहीं है। तुम यहां से 50 किलोमीटर सराउंडिंग जाके एक गाय ढूंढ के ले आओ, वो अगर बोलेंगे तो ये तो गाय, उनको गाय में नहीं काउंट किया जाता है। तुम गाय, यही तो है बात, तुम गाय देखे नहीं हो बोल के तो गाय बोल काउंट कर रहे हो ना। अच्छा, इन्हें तुम गाय बोल रहे हो क्योंकि गाय देखा नहीं जिंदगी में। हाँ। और हम बचपन से गाय के साथ बड़े चराए और जो कुछ जी, जी, जी। और आज भी मेरा गौशाला चलता है और मेरे पास आज गाय है, तो आज भी मैं कहता हूं मेरे गौशाला में गाय नहीं है। हाँ। जबकि मैं इतना बड़ा देसी गौ भक्त हूं, मेरे पास देसी गाय है लेकिन नाम के मात्र है। मेरे आज से 50 साल पहले जो गोवंश थे आज सारे डिजेनरेट हो चुके हैं सरकारी सहायता के माध्यम से। इसमें कोई शक नहीं। तो तुम गाय तो देखा नहीं, स्वाभाविक बात है, और दूध कहाँ से पियोगे? आज जो पास्चराइज मिल्क और वो एम्फेड और डोम्फेड और क्या क्या अमूल और ये देख के तुम बोलते हो यही दूध, ठीक है, सही। यानी कोई एक प्लैनेट का ऐसा बिंब, ऐसा किरण, ऐसा एनर्जी आया धरती पे जो पूरे जनमानस को ऐसा कुछ षड्यंत्रकारी शक्ति बना जहां हम अपने हाथों से अपने गोमाता का ध्वंस किया। बहुत सारे फिल्म तुम देखना, फॉरेन फिल्म है जहां पर ट्रैप बनाया जाता है और लोगों को फंसाया जाता है, इमोशनल ट्रैप भी बनता है, फिजिकल ट्रैप भी बनता है, टॉर्चर ट्रैप भी बनता है, और ऐसा भी ट्रैप बनता है जो व्यक्ति, कल ही उस प्रकार का एक फिल्म देख रहा था नॉनस्टॉप ट्रेन करके, विगत 35 साल से वो ट्रेन चल रहा है। अच्छा। वो देख रहा था, मैं छोटा सा क्लिप था, उसमें समझ में आया कि वो ट्रेन बनाया गया है, धरती पूरा ध्वंस हो गया, कुछ एक गैस लगा दिए,
और लोग को उस ट्रेन में रखा गया, खाना पीना कुछ नहीं था, पूरा वर्ल्ड बर्फ बर्फ हो गया है, उनको कीड़े से बनाया हुआ केक खिलाया जाता था, ऐसा कुछ एक फिल्म है, और वहां पर पॉलिटिक्स किया जाता है, एक एक दुनिया बनाया गया है। अगर जनसंख्या बढ़ जाए तो वहां दोनों गुट के बीच में हिंदू मुस्लिम टाइप या हिंदू क्रिश्चियन टाइप जो भी, उसमें कुछ राइट टाइप बना के वहां लोगों को वो ऐसे कर दिए कि लोग अपने आप को मार दें, या काला गोरा भेदभाव वो ट्रेन के अंदर और ऐसा क्या होगा, लेकिन ऐसा पॉलिटिक्स चलता था, कूटनीति, वो सुपर उधर बैठ के मेन इंजन में बैठा है और इधर से अमीर गरीब भिखारी ऐसे ऐसे करके पीछे पीछे तक चल उनके साथ वो चलता है। उनका पॉल्यूशन ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो घटना कैसा है, राइड करा दो, मारपीट हो जाएंगे, मर जाएंगे, घट जाएंगे, या बीमारी छोड़ दो जी। वो खाने के अंदर छोटा सा बीमारी का वायरस छोड़ देंगे, आधा आबादी खत्म हो जाएगा, ट्रेन हल्का हो गया, उनको खाना देने में भी सहज है, इकोनॉमी बैलेंस हो गया जी। तो ठीक ऐसा ही है, ऐसे ट्रैप में हमको 1860 से फंसाया गया कि हम अपने ही हाथ से अपने बच्चा को महामूर्ख बनाने के लिए लेके अपने पैसा से मैकोले स्कूल में डालेंगे जी। और वहां एक रेगुलर प्रोसेस चलेगा, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास टेन तक, प्लस टू, प्लस थ्री तक, एक एक ग्रुप, एक एक गिरो, एक एक बैच जन्म। आज एक क्लास हुआ, यानी दो साल पहले जो बच्चे जन्म हुए थे 18 में, ये सब अभी नर्सरी, प्री नर्सरी के जीवन के जीटू में जाएंगे। अब पूरे एरिया का बच्चा एक जगह पे आ गया और उनको बनाया गया मूर्ख, महामूर्ख, जते पढ़ा सते बेड़ा, जते पढ़वा सते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे। अब उस फेज वाइज बनाते बनाते जाया जा रहा है, जितने ऊपर जा रहा है उतना ज्यादा डाउन, उतना काला अंग्रेज बन रहा है, उतना एजुकेटेड इडियट बनते जा रहा है। और उधर जाके क्या बनता है, सुपर डोंकी, नॉट ओनली डोंकी, सुपर डोंकी, जो कुछ समझ नहीं पाए, उनको कोई जगाए भी तो नहीं जग पाए, एकदम बढ़िया कुंभकर्ण। एक कुंभकर्ण को जगाने के लिए तो कितना क्या लग गया, इन कुंभकर्णों को तो जगाया ही नहीं जा सकता। अपने संस्कृति, संस्कार, देश, ज्ञान, धर्म, इससे कोसों कोसों करोड़ों किलोमीटर दूर, और ऐसा ब्रेन फेज सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया क्लास वन से लेके मैट्रिक तक और कॉलेज तक कि अब इन्हें तुम रिबूट नहीं कर सकते, उनको डिस्ट्रॉय, इन उन सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एंटीवायरस अपलोड नहीं कर सकते, ये गे काम से, जस्ट बी ए लेबर, मानसिक गुलाम, शारीरिक लेबर, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। वो बहुत अच्छा से जानते हैं कि मैं मेरे बच्चा को कॉलेज और स्कूल पे दाखिला करूं, पढ़ाऊं, लाखों खर्चा कर दूं, सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगा, ये प्राइवेट पे किसी बड़ा मारवाड़ी के पास, कोई बड़ा कंपनी के पास, मल्टीनेशनल के पास नौकर चाकर भिकमंगा, एक नौकरी दे दे बाबा बोलेगा, और वो कंपनी इसको जैसा लूट सके, जैसे लूट सके वैसे ही लूटेंगे, इस वो मलाई का मलाई खाएंगे, इनको स्क्रैप भी नहीं देंगे जी। और इनको लगेगा कि देखो हम बड़ा नौकर, एक लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है, इधर कुत्ता का वो जो क्या बोलते हैं गोल वाला पट्टा लगा दिया, ये इस ग्रेड का कुत्ता है, ये इस ग्रेड का कुत्ता है, ये इसका पट्टा लगा दिया गया है, ये ब्लू वाला लगा दिया, ये उससे डिफरेंस, उससे इंटर मतलब वर्कर का भीतर एक फुट डालो, राजनीति करो जी। तो हम ट्रैप में तो फंसे हैं, लेकिन ये ट्रैप में फंसे हैं बोल के भी नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते जी, सोचता है यही असलियत है। हाँ, हमें लगता है तो यही है। और अगर तुम अपने बाप को भी समझाना तो बाप भी बोलेगा मूर्ख, जैसा समाज चलता है ऐसे चलो, जो जैसे सबको आगे जाने तुम भी चलो, रिवॉल्यूशन किया तो फिर तुमको शरीर से फेंका जाएगा जी। और इधर सिखा दिया गया हम धर्म को बैठ के पकड़े हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो हम जैसे आदमी धर्म का निकिति, धर्म का जो तुला है उसको पकड़ के बैठे हैं, माता के साथ, पिता के साथ अन्याय नहीं कर सकते, बीवी बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते जी, जी। और वो हमारे पर अन्याय करते रहो, हमारा बात नहीं सुने, उनके हिसाब में चलने दो जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ा और ट्रैप क्या हो सकता है? और अगर करने के लिए आगे बढ़ भी जाएं, गुरुकुल खोल भी दें, तो वही लोग ऐसा ट्रैप डाल के रख देंगे कि तुम्हारा गुरुकुल चलने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गुरुकुल अगर काल खड़ा हो जाएगा
और हर एक बच्चा को, जब एक क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया, 10 क्लास का बच्चा महीना 10,000 रुपया, कॉलेज का बच्चा महीना 50,000, एक गुरुकुल का आचार्य हो महीना 10 लाख रुपया रोजगार कर सकता है और करके दिखा देगा उनके मेहनत और दिमाग से, तो उनका तो स्कूल सब डैमेज हो जाएगा, वो जो ट्रैप ही खत्म हो जाएगा। फिर यहीं से क्रांतिकारी ऐसे उठेंगे एक रात के अंदर, सारे स्कूल, सारे बोर्डिंग स्कूल, सारे कॉलेजेस, तो वो तो खुद जाके बम लगा देंगे, उनको फिर डर नहीं रहेगा, इतना क्रांतिकारी बन जाएंगे जी। और ये जो पूरे असेंबली और पार्लियामेंट चल रहा है, और जो कलेक्टर और सब कलेक्टर, ये लोग जो अपना कोट बूट सूट में आया का नहीं है बैंड बजाने को, ये तो मुंह खोल नहीं सकते। तो ऐसा ट्रैप करोगे गुरुकुल बंद हो। और जो ट्रैफिकिंग करने भी आता है उसे भी समझ में नहीं आता है, वो भी तो मैं थोड़ा सा ही पढ़ पढ़ के आया है, उसको भी समझ में नहीं आता है कि ये अच्छा ही काम कर रहा है, मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ ये अच्छा काम कर रहा है तो छोड़ दो, वो नहीं करेगा। अब ऐसा घटना जो घटा, जो अपने हाथ से हम लोग अपने गुरुकुलों को बंद किए, मैकोले एजुकेशन पे डाले, ट्रैफिक में फंसे, ऐसे ही कोई प्लैनेट का एनर्जी आया होगा ना, जहाँ हम अपने देश का गोहत्या कर दिए, जहाँ हम अपने बच्चों को अपने हाथ से बेमान, शैतान, हैवान, बेकार, बीमार देश का गद्दार बनने के लिए, शिक्षा पा के भिक्षा मांगे बनने के लिए कावड़, और अपने धर्म संस्कृति देवी देवताओं से दूर अपने हाथ से ले रहे हैं, और जगाने वाला भी कोई नहीं है ना, क्रांति करने वाला भी कोई नहीं है ना, और कोई आया क्रांति करने के लिए राम शर्मा आचार्य जैसे या और कोई व्यक्ति आया, उन्हें दबाया जाएगा, और फिर इनको धार्मिक जो मोर्फिया, गंजा, ड्रग्स देने के लिए सफेद सफेद लंबा लंबा दाढ़ी बना के बाबा खड़ा कर दिया, किसी को क्या क्या सब कोड दे दिया कि ये तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ, और उन्हीं धर्म गुरुओं को फिर उनको ट्रैप ट्रैप में डाल के आपके सामने उनको नीचे गिरा दिया। उनको, उन गधों को भी समझ में नहीं आता है, बिकॉज वो भी तो इसी मैकोले से निकले हैं, और आज तक इतना सारा होने के बाकी धर्मों का एक भी नहीं निकला केस, सब हनुमान जी हैं, जितने रण हुआ ये हिंदू सनातन वाले हैं, और बाकी दाढ़ी बिंदाड़ी वाले मुछमुंडे लोग, वो लोग सब परम हनुमान हैं, उनका एक भी केस नहीं है। भारतीय संस्कृति के ऊपर जो मार चल रहा है कैसा चल रहा है देख लो जी, ये तो हमारा गलती है ना जी, जी, जी। तो अब इसमें दोष किसी को जब दे नहीं सका एस्ट्रोलॉजर, क्या बोलेगा, कोई प्लानिटरी एनर्जी आया इस देश से गाय हटाया, आया गुरुकुल हटाया, आया संस्कृति हटाया, आया देव पूजन छोड़ के ये फैंसी ड्रेस गुरु पूजन पे आ गए, सब गधों को उधर ही दिखा, इष्ट को छोड़ो रिष्ट में पड़ो, और आगे चल के जब तुम जाओगे अपने हाथ से अपने मेदिनी, अपने धरती, अपने पृथ्वी पे, जिसको धरती माँ कहते हैं, वहां पर यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोनेट, टिक्टोन, डीडीटी, गामक, सिंथीमेट, जहर डालो, सबको जहर खिलाओ और धरती को खत्म करो, कैंसर एक्सप्रेस चलाओ, उस ट्रेन का नाम भी कैंसर एक्सप्रेस हो जाए, और ऐसा बीमारी जनरेट हुआ, ऐसे ही कोई प्लानिटरी ऊर्जा से तो आया होगा, और इस देश में वो ताकत था कि ऐसे ग्रहों के दुष्प्रभाव को विनाश करने हेतु हमारे भारतीय ऋषि मुनि परंपराओं के पास प्रचंड यज्ञ हवन मंत्र तंत्र यंत्र का परम विधान था, और उनको दबाया गया, छुपाया गया और समाज के सामने नहीं लाया दिया गया, क्योंकि इस प्रकार के ग्राहिक दुष्प्रभावों से हम ऐसे यज्ञ हवनों के माध्यम से ऐसा शक्तियों को, ऐसे मांत्रिक शक्तियों को विचलित कर सकते हैं कि इस प्रकार के दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े ना पड़े। तो हम अपने प्रकृति, संस्कृति, हमारे गौ, हमारे संपदा, हमारे जीवनचर्या, हमारे दिनचर्या, हमारे बच्चे, हमारे माताएं, हमारे ऐसा कौन सा फील्ड है